माँ भारती के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक 11th क्लास के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, पुष्पीय पादपों की आकारिकी। आकारिकी के अंदर क्या देखेंगे अपन, जो भी पादप होते हैं उनकी बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। भाई, बाह्य संरचना में कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं, रूट कहाँ पाई जाती है, स्टेम कहाँ पाया जाता है, लीव्स, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उनके, यहाँ से बीज की बात करते हैं। कोई भी होता है बीज, बीज में दो भाग होते हैं, एक तो होता है प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल। ऐसे बीज की संरचना देखो आप, दो भाग होते हैं, ये वाले भाग कौन से, प्लूम्यूल, ये वाले रेडिकल। इस वाले भाग को बोलते हैं रेडिकल। यहां से किसका निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है, और यहां से किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं रेडिकल वाले पार्ट की। यहां से जड़ में कौन कौन सी उपांग, कौन कौन सी शारीरिक संरचनाएं बनती है, तो जड़ के बारे में अपन देखे, रूट के बारे में देखे अपन। तो रूट कैसी होती है, पॉजिटिव जियोट्रोपी, मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, मतलब जो गुरुत्व की तरफ आकर्षित होती है, गुरुत्व में नीचे धरती की ओर जाती है, भूमि की ओर। दूसरी होती है नेगेटिव फोटोट्रोपी, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। और कौन सी होती है, एक तो पॉजिटिव जियोट्रोपी होगी, नेगेटिव फोटोट्रोपी होगी। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो यहाँ पर बेस है, बिल्कुल भूमि के अंदर की बात कर रहे हैं, तो ये वाली जड़े आती है, ऐसे भूमि के अंदर पाई जाती है। अब ये वाली जड़े, इनके बारे में अपन बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। देखो, नीचे की ओर आ रही है जियोट्रोपी, मतलब गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्व की ओर। तो पॉजिटिव जियोट्रोपी मतलब गुरुत्वानुवर्ती होती है, गुरुत्व के अंदर अंदर चली जाती है। नेगेटिव फोटोट्रोपी, फोटोट्रोपी का मतलब होता है प्रकाशानुवर्ती, कौन सी, नेगेटिव, मतलब प्रकाश की तरफ ये गति नहीं करती, प्रकाश की विपरीत दिशा में जड़े गति करती है, तो ये होगी नेगेटिव फोटोट्रोपी। अब मूल की संरचना के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, रूट के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो रूट की पहले मैं स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूं। तो मूल के अंदर दो प्रकार की रूट्स पाए जाते हैं, पहली होती है तो प्राइमरी रूट्स, दूसरी प्राथमिक मूल, फिर बाद में निकलती है इसी से सेकेंडरी रूट, द्वितीयक मूल। इसके आधार पर रूट को दो भागों में बांटा गया है। रूट्स को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहली वाली कौन सी है, तो मूसला मूल तंत्र होता है, मूसला मूल तंत्र। दूसरा वाला कौन सा है, मूसला मूल तंत्र हो गया। दूसरा जकड़ा मूल तंत्र, ये वाली पाई जाती है डाइकोट प्लांट के अंदर, ये वाली पाई जाती है मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है, मतलब ये वाली द्विबीजपत्री पादपों में। और ये वाली एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री में। इसका एग्जाम्पल है सरसों, सरसों में जो ये वाली रूट पाई जाती है मूसला मूल तंत्र, इसको बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। अब
और इसको बोलते हैं एडवेंटियस रूट सिस्टम। एडवेंटियस रूट सिस्टम दो प्रकार की रूट्स पाई जाती है, जो कि जो मुस्लिम मूल पाई जाती है वो पाई जाती है डाइकोट प्लांट के अंदर, जैसे कि एग्जांपल है इसका सरसों, और जकड़ा मूल के अंदर पाई जाती है मोनोकोट प्लांट के अंदर, जो कि जैसे कि मक्का गेहूं चना इनके अंदर पाई जाती है, जितने भी एक बीजपत्री पादप है उनमें पाई जाती है। अब ये जो मूल की संरचना देखें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुस्लिम मूल तंत्र की। मुस्लिम मूल तंत्र कैसी होती है, मुस्लिम मूल मूल की बात करें तो मूसला मूल में एक तो प्राथमिक जड़ पाई जाती है, प्राथमिक रूट, प्राथमिक मूल पाई जाती है। इस प्राथमिक मूल से यहां से निकलती है सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट। कैसे, जैसे कि यह कोई भी एक पादप है उसकी जड़ वाले भाग को ये हमारी है, इसको बोलते हैं प्राथमिक रूट। प्राथमिक मूल अभी अब यहां से निकल गई इसी के भागों से, ये हमारी कौन सी द्वितीयक मूल, ये वाली मूल हो गई द्वितीयक मूल। इसी से तीसरी भी निकल जाएगी, इसे बोलते हैं तृतीयक मूल। मतलब जो पहली बार निकलती है सबसे पहले वाली ये वाली प्राथमिक मूल का निर्माण होता है। इस प्राथमिक मूल के अलावा बाद में द्वितीयक मूल का तृतीयक मूल का निर्माण होता है। ये वाले ये प्राथमिक मूल क्या होती है, सबसे पहले स्थायी होती है और अपनी जो जमीन के अंदर दस्ती चली जाती है। जो डाइकोट प्लांट होते हैं इस कौन सा मुस्लिम मूल तंत्र के कारण, मुस्लिम मूल तंत्र के कारण डाइकोट प्लांट को डी फीडर भी बोलते हैं। डी फीडर का मतलब जमीन की गहराइयों तक दसी रहती है जो मुस्लिम मूल तंत्र, जो डाइकोट जो द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है मूल, वो जमीन के अनेक गहराइयों तक दसी भी रहती है। तो अपन बात करते हैं रूट की स्ट्रक्चर के बारे में, रूट के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती है, कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इस वाले भाग को बोलते हैं रूट केप, मूल गोप। ये मूल गोप क्या करता है, जब पादप पादप को सुरक्षा एवं स्थायित्व प्रदान करता है, सुरक्षा किससे प्रदान करेगा, ये से एक श्लेष्मा स्रावित करता है, म्यूकस का स्त्रावण करता है। म्यूकस के स्त्रावण से जो भी नीचे पत्थर आते जाते हैं इसके मार्ग में उस पर म्यूकस का स्त्रावण कर देगा, उसकी वजह से ये जो यहां से वो पत्थर है ना उसकी सतह गल जाएगी, गलने के बाद में उसमें छिद्र करता हुआ नीचे तक चला जाएगा। रूट केप का काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना और पादप को स्थायी प्रदान करना। यहाँ वाला जो पार्ट है ये डॉट डॉट ये मेरिस्टेमेटिक रीजन द्विबीजपत्री क्षेत्र, ये द्विबीजपत्री क्षेत्र की कोशिका है, विभेदीकृत कोशिका, अविभेदीकृत कोशिका होती है। अविभेदीकृत कोशिका होती है, ये क्या करते हैं अविभेदीकृत कोशिकाएं किसका निर्माण करती है, नेचुरेशन और इलोंगेशन फेज का निर्माण करती है। यहां पर पाया जाता है एक रीजन
क्षेत्र, ये वाला हो गया परिपक्व क्षेत्र, इलोंगेशन रीजन, ये वाला क्या मैच्यूरेशन रीजन, ये वाला इलोंगेशन रीजन। ये क्या करेगी, ये जो यहाँ की मेरिस्टेमेटिक कोशिका है वो इस वाले जोन का निर्माण करेगी, विभेदकीय क्षेत्र वाली कोशिका अतिविभेदीकरण कोशिका होती है। कैसी कोशिका होती है? अविभेदीकरण कोशिका होती है, जो दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती है, दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती है। फिर ये आ गया दीर्घीकरण क्षेत्र, इसकी कोशिका है आगे, ये भी कैसी होती है? अविभेदीकरण होती है। डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड सेल ये वाली भी क्या करती है, इस दीर्घीकरण वाले क्षेत्र का जैसे जैसे निर्माण हो गया, जो मूल की है ना लंबाई एवं मोटाई में वृद्धि करवाता है, लंबाई और मोटाई के अंदर क्या करवाता है? वृद्धि करवाता है। दूसरा होता है नेक्स्ट वाला, लास्ट वाला परिपक्व क्षेत्र, ये वाला कैसी कोशिका होती है? विभेदीकृत कोशिका होती है। इसकी कोशिका पूर्ण रूप से कैसी होती है? विभेदित हो जाती है। विभेदित होने के पश्चात मतलब यहां से इसका निर्माण नहीं होगा। अब इसी से निकलते हैं, यहां से रूट हेयर निकलते हैं, ये वाले कौन से? मूल रोम, रूट हेयर। ये वाले कहां से, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? इनकी उत्पत्ति पेरिसाइकल से होती है, पेरिसाइकल से होती है। इसलिए ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? एंडोजीनस, मतलब एंडो, इनका जो उत्पत्ति होती है कैसी? अंतर जातीय उत्पत्ति, अंतर जातीय उत्पत्ति होती है। मतलब कहां से निर्माण होता है? इसके रूट के अन्य भाग पाए जाते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल में पित्त, पित्त के अंदर पित्त रेस पाई जाती है, वहां से जो पेरिसाइकल वाला भाग है उस वाले में पाई जाती है, और कोर्टेक्स के बाद में एपिडर्मिस के अंदर वाले रीजन में आता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल से रूट हेयर्स का निर्माण होते हैं, जो की उत्पत्ति भी कैसी होती है? अंतर जातीय होती है। और एक और चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट, ये वाली कैसी कोशिका होती है? सदैव एक कोशी की होती है, सदैव एक कोशी की होती है, यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर होती है, सदैव एक कोशी की होती है। मूल रोम की कोशिका है, ये वाले मूल रोम के विभिन्न प्रकार के भाग है। अब देखो ये वाला रूट के बढ़ाया सबसे पहले, ये रूट के क्या काम करेगा? जब भी कोई पौधा अपनी वृद्धि करेगा, वृद्धि के दौरान भूमि में जो स्थान का निर्माण करवाएगा, उस स्थान के निर्माण करवाने के लिए बीच बीच में कंकड़ पत्थर आएंगे, उनसे सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ से किसका एक म्यूकस का स्त्रावण होता है, श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, उस श्लेष्मा नमी प्रदान करता है, वहां से उन चीजों को हटाने का काम करता है, गालने का काम करता है। इसलिए ये भूमि के अंदर रास्ता बनाते टाइम सुरक्षा प्रदान करता है, और उसको श्लेष्मा को निर्माण करके जो भी रास्ते में पत्थर कंकड़ पत्थर आए उनको हटाने का काम करता है, उनके बीच में से छिंदा निकाल उनको गलाने का काम करता है, ताकि भूमि में इसको स्थायित्व प्राप्त हो सके, अंदर तक जा सके। दूसरी बात, यहां से रूट के ये वाले स्थायित्व पर कौन सा फिर बाद में आया? मैच्यूरेशन फेज, ये वाला आ गया। अब ये विभेदकीय कोशिका होती है, इनमें क्या विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है, ये धीरे धीरे विभाजन करती जाएगी, विभाजन करते करते इस रीजन का निर्माण करेगी। किसका? दीर्घीकरण क्षेत्र का। अभी विभेदकीय कोशिका कैसी होती है? अविभेदीकृत कोशिका, मतलब इनमें विभेदन अभी उपस्थित
नहीं है, क्योंकि इनकी प्रत्येक कोशिका अलग अलग होती है जो कि दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। निर्माण करने के कारण किस क्षेत्र का निर्माण होता है, इससे दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण होता है। ये दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण हो गया, ये दीर्घीकरण की क्षेत्र की कोशिका भी क्या विभाजन करती है, इसलिए कैसी होती है, अविभेदीकृत कोशिका होती है जो कि मूल की लंबाई और मोटाई में वृद्धि करने में सहायक होती है। ये जो दीर्घीकरण की कोशिका है वो हमारे परिपक्व क्षेत्र का निर्माण करती जाती है। किस वाले क्षेत्र का, परिपक्व क्षेत्र का निर्माण करती है, मैच्युरेशन रीजन का। ये जो मैच्युरेशन रीजन की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, विभेदीकृत कोशिका, मतलब अभी इनमें विभेद उत्पन्न हो गया, अभी आगे का चलकर कोई भी मेरिस्टेमेटिक रीजन की कोशिका की तरह बिहेवियर नहीं करेगी। तो इसकी वजह से यहां से निकलेंगे मूल रोम। ये मूल रोम कहां से उत्पत्ति कहां से होती है, इनकी पेरिसाइकल से, इसीलिए मूल रोम को बोलते हैं अंतर जातीय। यहां से क्वेश्चन होता है कि मूल रोम होती है वो कहां से उत्पन्न होते हैं, तो पहला होता है पेरिसाइकल से, और कैसे होते हैं, अंतर जातीय उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहु कोशिकीय, तो मूल रोम सदैव कैसे होते हैं, एक कोशिकीय बिना किसी अपवाद के। अब आप आगे चलते हैं, इस रूट कैप के बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करते हैं। जो ये रूट कैप होती है, जो जलीय प्लांट होते हैं उनके अंदर रूट कैप अनुपस्थित होती है। जलीय प्लांट के अंदर रूट कैप क्या होती है, जलीय पादपों में मूल गोप अनुपस्थित अनुपस्थित होती है। अब ये जो मूल गोप अनुपस्थित होगी तो इसके स्थान पर क्या पाया जाता है, इसके स्थान पर पाया जाता है रूट कोकिट पाया जाता है। रूट कोकिट पाए जाते हैं मूल गोप के स्थान पर, रूट कोकिट पाए जाते हैं। ये रूट कोकिट क्या करते हैं, जो भी जलीय पादप है जैसे इसमें यहां से बायोसी प्रदान करता है, उत्प्लावकता प्रदान करता है। उत्प्लावकता का मतलब ये जो पादप है इसको पानी में डूबने से बचाने के लिए यहां पर एयर प्रेजेंट होती है। इस वायु की वजह से यहां पर क्या होते हैं, बायोसी उत्पन्न होती है। इस बायोसी के कारण, उत्प्लावकता के कारण ये पौधा पानी के अंदर तैरता रहता है। तो यहां पर जितने भी जलीय पादप है जो तैर रहे उनके अंदर क्या पाई जाती है, रूट कोकिट पाई जाती है। मूल गोप की स्थान पर कौन पाई जाती है, रूट कोकिट पाई जाती है। अब पर बात करते हैं, यहां मूल गोप के स्थान पर हो गया। अब मूल के रूपांतरण के बारे में देखते हैं, दूसरी रूट थी ये, तो फर्स्ट किसकी बात होगी, मूसला मूल तंत्र की, टेप रूट सिस्टम की। दूसरा मूसला मूल तंत्र के बारे में, दूसरा जो अपनी रूट है वो कौन सी है, अपस्थानिक मूल। देखो अपस्थानिक रूट का मतलब क्या होता है, अप का मतलब अपस्थानिक, मतलब पादप के किसी भी स्थान से अगर रूट का निर्माण हो रहा है तो कौन सी रूट पर आती है, एडवेंचरस रूट। कौन सी, अपस्थानिक मूल आती है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा बरगद के प्लांट के अंदर, देखा होगा बरगद के पादप के अंदर, बरगद के पादप में देखा होगा उनकी शाखाओं से लंबी लंबी शाखाएं निकली होती है, वो लंबी लंबी जड़े भूमि में आकर स्थायी होती है। वो भूमि, इनका काम क्या होता है, अपस्थानिक रूट जो किसी भी स्थान बरगद के पादप में निकलती है, ये वाले क्या काम करती है, जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, पादपों को सुरक्षा प्रदान मतलब स्थायित्व प्रदान करने का काम करती है। स्थायित्व प्रदान करने का काम करती है, जैसे कि बरगद का पादप विशालकाय पादप होता है, तो उसकी जो बिल्कुल फैला हुआ रहता है उस फैले हुए पादप को एक जगह रोकने के लिए ये वाले मूल पाई जाती है, जो कि उसको मतलब एक जगह स्थायी रख सके। अब एडवेंट्रियस रूट की बात करें तो ये वाले किसी भी स्थान से गुजरती है, जैसे कि इसके बारे में और एग्जाम्पल, घास के अंदर जितने भी मोनोपोड प्लांट है उनके अंदर जो अपस्थानिक मूल होती है, इनके अंदर जो प्राथमिक मूल होती है वो अल्पजीवी
वह अस्थायी होती है, अल्पजीवी एवं अस्थायी होती है। तो फिर इसके स्थान पर कौन सी, भाई यहां से ये वाला कोई भी पादप, इसमें जो प्राथमिक मूल थी वो कैसी थी, अल्पजीवी और अस्थायी थी। तो इसके बाद में इसको पौधे को स्थायित्व देने के लिए यहाँ पर खूब सारी मूले निकल जाती है, इसीलिए बोलते हैं इसको जगड़ा मूल तंत्र भी बोलते हैं। हरियाल बोलते हैं अपस्थानी, मतलब पादप के अनेक भागों से तने से निकल जाए या किसी और भाग से निकल जाए तो उसी को बोलते हैं अपस्थानी मूल। ये वाले क्या करेंगे, किसी भी प्लांट को यहाँ पर भूमि में स्थायित्व प्रदान करने के लिए सहायक है, कोई भी पादप है वहां से स्थायी करने के लिए सहायक है। अब अपन बात करते हैं अपस्थानी मूल में जो ये रूट होती है, ये अनेक प्रकार के रूपांतरण भी दर्शाती है वातावरण के प्रति। तो सबसे पहले अपन मूसला मूल के रूपांतरण देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके रूपांतरण में आता है जैसे कि कॉनिकल आ गया, दूसरा फ्यूजीफोर, कॉनिकल आ गया, फ्यूजीफोर्म आ गया, तीसरा है नेपीफोर, तीसरा नेपीफोर्म आ गया, चौथा है ट्यूबरस आ गया, और आ गया चौथा पांचवा आ गया नोड्यूलेटेड। देखो जो कॉनिकल वाली पाई जाती है वो कौन से वाले में पाई जाती है, ये वाली पाई जाती है, आप देखोगे कॉनिकल वाली किसमें, गाजर के अंदर। गाजर में किसका रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है। इसमें किस प्रकार की कॉनिकल एक शंकु के रूप में पाई जाती है, ऐसे देखो आप तो एक ऐसी पाई जाती है गाजर के अंदर शंकु के रूप में पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं कॉनिकल, जिसका एग्जाम्पल कौन सा है गाजर। फ्यूजीफॉर्म की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन सी है, मूली, और इसकी नेपीफॉर्म की बात करें तो आपने सलजम देखा होगा, सलजम इसके एग्जाम्पल है, चुकंदर। जो ट्यूबरस की बात करें तो इसमें आता है मेराबिलिस आ गया, मेराबिलिस जलापा। और कौन सी नोड्यूलेटेड की बात करें तो जितने भी पी प्लांट्स होते हैं, मटर कुल के पादप, उनके अंदर नोड्यूलेटेड रूट पाई जाती है। ये इनके जो भोजन के रूपांतरण के आधार पर रूपांतरित होती रहती है, जैसे कि कॉनिकल में होगी गाजर, फ्यूजीफॉर्म में होगी मूली, नेपीफॉर्म में होगी सलजम चकुंदर, और होगी ट्यूबरस में मेराबिलिस, नोड्यूलेटेड में जितने भी पी प्लांट्स की मूल पाई जाती है उनके अंदर पाया जाता है। आज अपन ने पढ़ा कि कैसे रूट के बारे में पढ़ा कम्प्लीटली, रूट कैसे होते हैं उनके रूपांतरण देख लिए, रूट में कौन कौन से रीजन होते हैं, रूट कैप होती है, एलोंगेशन क्षेत्र होता है, परिपक्व क्षेत्र होता है, रूट का बेस, रूट का अपेक्स, उनके बारे में बात किया, कैसी होती है जो मूल होती है वो नेगेटिव फोटोट्रोपी होती है, पॉजिटिव जियोट्रोपी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में कल वाले में अपन बात करेंगे स्टेम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा पॉजिटिव फोटोट्रोपी होता है, नेगेटिव जियोट्रोपी होता है, रूट का उल्टा होता है, रूट के जो स्टेम है उसके मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, रूपांतरण भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।